गली में। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ाकर अब 30 जून कर दी है सरकार ने। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जया नायक का एटीएस महाराष्ट्र से मुंबई पुलिस में हुआ ट्रांसफर। बाइक उठाकर बेच दी लोन रिकवरी वालों ने, अब तक 90,000 की एमआई भरी थी, बाइक बेचकर 20,000 दे रहे हैं। टिकटॉक स्टार सिंगर दानिश अल्फाज पर उनकी बीवी ने रेप केस दर्ज किया ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन। महाराष्ट्र के जलाना में मस्जिद में घुसकर मौलाना की दाढ़ी काटने और मारपीट करने का मामला आया सामने, जांच की मांग की अबू आसिम आजमी ने। मनसे लीडर अविनाश यादव ने सोशल मीडिया पर मुमरा बाईपास के पास बने इनलीगल दरगाह मजार मस्जिद पर 15 दिन में कार्रवाई करने कहा और धमकी भी दिया था कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो दरगाह मजार मस्जिद के पास ही हनुमान मंदिर बनाएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बढ़ेगा 18% टोल। महाराष्ट्र स्ट्रेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1 अप्रैल से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 18% टोल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में 27 मार्च की शाम 10 बजे से 29 मार्च की शाम 10 बजे तक पानी की 15% कटौती रहेगी, बीएमसी ने जारी किया नोटिस। मनसे लीडर अविनाश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट से कम्युनल टेंशन ना हो इसीलिए पुलिस ने नोटिस इशू कर अविनाश यादव के मुमरा में एंट्री पर 15 दिन का बैन लगाया। महाविकास आघाड़ी सरकार क्या टूट रही है, दिल्ली में कांग्रेस ने सभी अपोजिशन पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुलाई, शिवसेना यूबीटी लीडर्स नहीं रहे हाजिर। स्वतंत्र वीर सावरकर यात्रा निकाली जाएगी पूरे स्टेट में, कहा सीएम एकनाथ शिंदे ने। मनसे ने किया रोजा इफ्तारी का इंतजाम, मलाड वाहतुक सेना ने मिट चौक सिग्नल पर मुसाफिरों के लिए रोजा इफ्तारी का बंदोबस्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को गोधरा कांड बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई के मामले में नोटिस भेज कर जवाब मांगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा पोस्ट से डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद लोकसभा सेक्रेटरी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सरकारी बंगलों खाली करने कहा। थाने में रोड धंसकर हुआ 15 से 17 फीट लंबा खड्डा, आवाजाही के लिए रोड को बंद किया गया। गोरबंदर रोड से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 4-लेन वर्सोवा ब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने दी जानकारी। घर की बिजली जाने पर गुस्साए शख्स ने देवेंद्र फडणवीस के नागपुर वाले घर के सामने बम होने का झूठा कॉल किया, नागपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल डिफेमेशन केस में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन किया, अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई के कई इलाकों में हम सब सावरकर के बैनर लगाए हैं। अली फाटा कल्याण रोड पर पिकअप वैन ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, इस हादसे में 2 बच्चे सहित 5 लोगों की जान गई है। मुंबई में एक दिन में मिले 66 कोविड के नए मामले, स्टेट का आंकड़ा पहुंचा 205 के पार। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर अल्ट्रा मार्क 3 फीट फ्लाइट के दौरान क्रैश हुआ। मुंबई में रिटायर बीएमसी एम्प्लॉई से सेक्सटोशन गैंग ने लूटे 1.5 लाख रुपए, रिटायर बीएमसी एम्प्लॉई की शिकायत पर मामला दर्ज। उर्फी जावेद को ट्रांसजेंडर कहा एक्टर फैजान अंसारी ने और साथ में कहा मुंबई का माहौल खराब कर रही है। किसी का भाई किसी की जान के सेट से शहनाज गिल और राघव की बिहाइंड द सीन वीडियो हुआ लीक, वीडियो में उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने किया पसंद।